कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप कॉलेज जाते हो तो उसके लिए भी अच्छी है वीडियो, अगर आप ऑफिस जाते हो तो उसके लिए भी अच्छी होने वाली है ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। आपके फेस पर जितना भी डस्ट है, आपका फेस कितना भी ख़राब हो गया है, वो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए लेना है पहले आपको हनी लेना है, हनी के बाद आपने थोड़ा सा मिल्क लेना है, रॉ मिल्क लेना है एंड थोड़ी सी टर्मरिक ऐड कर देनी है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई पूरे फेस पर होना चाहिए। उसके बाद मैं पता है फेस मास्क सीट बना लूँ जो कि एट होम बनाने वाली हूँ मैं। तो इसके लिए आपने एक टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर के ऊपर आपने पूरे फेस पर आपको टिश्यू पेपर लगा देना है, जैसे कि बिल्कुल मैं कर रही हूँ। और उसके बाद जो भी मैंने ये बनाया था उसको आपने दोबारा से अप्लाई कर लेना है। इसको 15 से 20 मिनट रखना है ऐसे ही अपने फेस पर। उसके बाद आप इसको रिमूव कर सकते हो जब आपका ये सूख जाए। उसके बाद आप देख सकते हो ग्लो आपके फेस पर अच्छे से आ जाएगा, जैसे कि मेरे पे आ गया। तो आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेना फिर। एंड सेकेंड टिप्स है हमारा, जब हम कहीं जाते हैं तो बाल इतने ख़राब हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस सारे मुंह पर ही आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल चाहिए। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा ले लेना, या आपके पास हेयर सेटिंग स्प्रे है तो आप वो ले लेना। आप मैं इस पुली पर इसको स्प्रे कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने हेयर को सेट कर लूँगी। पूरे दिन ऐसे ही रहने वाले हैं तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ इस हैक को ट्राई। और थर्ड हैक जो है हमारा रिलेटेड है पिंपल्स को लेकर। पिंपल्स आजकल ज़्यादातर सबके फेस पर मिलेंगे क्योंकि इस मौसम में पिंपल आराम से हो जाते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक कोलगेट लेती हूँ। कोलगेट से ना डॉट डॉट लगा लेती हूँ, जहाँ पर भी मेरे पिंपल हैं वहाँ पर लगा लेती हूँ और इसको ओवरनाइट रखती हूँ और फिर सो जाती हूँ। सुबह को अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। और आपको ये ना लगातार करना है, एक हफ्ते तक करना है। जब तक आपके फेस पर पिंपल हैं जब तक आपने ये करना है। इससे क्या होता है पिंपल मोटे नहीं हो पाते हैं और वो फुंसी नहीं बनते हैं, आपका पिंपल जो है वो दब जाता है। तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम का है ये। और जब आप लगाओगे ना फेस पे बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। बाहर जा जा कर ना मेरे हाथों की भी बैंड बज गई है मुंह के साथ साथ। तो फेस तो मैंने क्लीन कर लिया, तो अब आती है बारी हाथों की, क्योंकि हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी रेमेडी यूज़ करने वाली हूँ वो आपको घर पर आराम से मिल जाएगी। सूजी लेनी है आपने, थोड़ा सा बेसन लेना है और फिर आपने थोड़ी टर्मरिक ऐड करनी है और वाटर डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब करना है। 10 से 15 मिनट तक इसको लगातार ऐसे ही करना है। फिर थोड़ा सा ये सूख जाए ना तो आपने नॉर्मल वाटर से इसको धो लेना। तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा आया है, बहुत ही ज़्यादा। इसको आप हफ्ते में एक से दो बार कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। और इस मौसम में फेस तो इतना ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, इतना ज़्यादा ऑयल आ जाता है। जिसकी ऑयली स्किन है उसको भी, जिसकी नहीं है उसको भी आ जाता है इस मौसम में। तो मैं क्या करती हूँ, एक फेस पाउडर लेती हूँ, कोई सा भी हो आपके पास फेस पाउडर। मेरे पास यहाँ पर फेस पाउडर है जस्ट हब का, इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। क्लीन हो जाता है आपका, एकदम अच्छा फेस लगने लगता है। तो आप भी इस हैक को ज़रूर ट्राई किया करो, क्योंकि इससे ना आपको ऐसा भी नहीं लगेगा आपने मेकअप लगाया, और आपका फेस जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखेगा। आप अगर आप कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। अगर बाहर जाते हो ना तो फेस पर ऑयल ऑयल वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है।